साथियों, आप डायरी में 2 या 3 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आपको इस प्रोजेक्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जिसके पहले और दूसरे फेज़ का पोजेशन हो चुका है। अभी रिसेंटली तीसरी फेज़ लॉन्च की है जिसका पोजेशन दिसंबर 24 तक आपको मिलने वाला है। तीसरा फेज़ जो है वो 1.8 एकड़ में यहाँ पर बन रहा है, जिसमें 84 टोटल फ्लैट है। जो 14 मंजिल की ये पूरी बिल्डिंग है, जिसके एक फ्लोर पर 6 फ्लैट हैं, जिसमें से दो फ्लैट जो है वो 2 BHK और 4 फ्लैट जो है वो 3 BHK। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पहले दो फेज़ का पोजेशन हुआ है और 200 हैप्पी फैमिली यहाँ पे रह रही है। तो आप ऐसे ही एक ट्रस्टेड बिल्डर के पास अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्राइम लोकेशन पर। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपको पता है डायरी के अगल बगल में थोड़ा सा हिल सराउंडिंग एरिया है, तो नेचर काफ़ी आपको अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। इसके ऊपर ही DSK विश्व जो सोसाइटी वो इसके ऊपर ही है। तो ये नीचे के साइड में, सामने के साइड में पूरे बंगलो सोसाइटी और अंदर के साइड पे ये स्कीम है। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन, एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है, नेचर से भरा हुआ ये पूरा एरिया। तो ये जो आप पीछे ये एलिवेशन देख रहे हो, ये फेज़ 3 का ये पूरा एलिवेशन है। ऐसे ये 14 मंजिला पूरा बिल्डिंग यहाँ पर बन रहा है। तो आइए अभी हम नीचे जाते हैं और एक्चुअली जो काम का प्रोग्रेस है उसको देखते हैं, और उसके बाद हम सैम्पल फ्लैट को भी देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो साथियों, अभी हम एक्चुअल साइट लोकेशन पे आ चुके हैं। ये देखिए फेज़ 3 का ये साइड है, और आपको एक अपडेट बता देता हूँ। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पे अभी मैं रुका हूँ दोस्तों, तो ये 110 मीटर का हाईवे है। ये हाईवे जो नांदेड़ सिटी से जाम्बुलवाड़ी की तरफ जाता है और पुणे बेंगलोर हाईवे जो है नया टनल वहाँ पर जाके मिलता है। ये 110 फीट का रोड है, 110 मीटर का रोड है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इतना बड़ा रोड है जिसका एक्चुअल हो चुका है। ये ओमेगा बंगलो सोसाइटी है लेफ्ट साइड में, और ये एक्चुअल साइड है। और जो पहले दो फेज़ थे वो आप देख रहे हो, 1 और 2 फेज़ वहाँ पे पोजीशन हो चुका है, और ये फेज़ 3 है। एक्चुअली इस रोड की वजह से ही इस सोसाइटी के दो इसमें डिवाइड हो गई ये सोसाइटी, क्योंकि रोड बीच में से चला गया है इस लैंड के। तो ये वो फेज़ 3 है। और इस प्रोजेक्ट की मैं आपको खासियत बताता हूँ, ये चारों साइड से ओपन है, क्योंकि एक साइड में ओमेगा है 4 फ्लोर का, जिसका फ्लोर 4 फ्लोर तक ही उसका अप्रूवल है, और ये 14 मंजिल की बिल्डिंग है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट नांदेड़ सिटी भी दिख सकती है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। वो साइड में रोड है, ये साइड में भी रोड है, और ये साइड में भी 30 फीट का रोड है, जो दो रोड को जो जॉइंट करता है ये 30 फीट का रोड है। तो चारों साइड से आपको ओपन एरिया जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये बड़ा रोड, ये एक बड़ा USP है। अभी तक ग्राउंड फ्लोर तक आ चुकी है बिल्डिंग, दिसंबर 2024 में पोजेशन है इसका। तो आइए अभी हम जो आपको फ्लैट मिलने वाला है उसका फ्लोर प्लान कैसे वो अंदर जाके, जो शो फ्लैट है, इन्होंने सैंपल फ्लैट नहीं बनाया, शो फ्लैट बनाया, तो शो फ्लैट को जाके विजिट करते हैं और एक्चुअल जाके देखते हैं उसको। दोस्तों, अभी हम एक्चुअल जो फ्लैट कैसा मिलेगा उसको देखते हैं। जनरली सैंपल फ्लैट होता है, लेकिन यहाँ पे शो फ्लैट है, तो उस शो फ्लैट को हम देखेंगे। तो दो टाइप के कारपेट है यहाँ पे, 783 जिसका पैकेज कॉस्ट जो है वो 60 लाख रुपीज़ है 2 BHK का, और 3 BHK का जो कारपेट है वो है 1,032 स्क्वायर फुट का, जिसका पैकेज कॉस्ट है 80 लाख रुपये। तो ये जो शो फ्लैट है ये है 3 BHK का। तो आइए अभी हम इसको एक्चुअल अंदर से देखते हैं कि 3 BHK का फ्लोर प्लान कैसे है। तो अभी हम जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे साथियों, तो ये जो पैसेज है, ये 4x6.3 का ये पैसेज है अंदर, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, जिसको हम यहाँ पे शू रैक रखने के लिए जो स्पेस होता है वो ये साइज़ का है। उसके बाद जब हम अंदर की तरफ आते हैं, तो एक बात इन्होंने काफ़ी अच्छी की कि जो हॉल है उसको काफ़ी बड़ा दिया गया है। अगर आप हॉल का साइज़ देखोगे, डाइनिंग लिविंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो काफ़ी बड़ा दिया है। उसका साइज़ जो है वो 15.9x13.3 का है, यहाँ पर देख सकते हो ये। और सीलिंग का जो हाइट है वो यहाँ पे दिया गया है, देखिए फ्लोर टू फ्लोर 9.8 इसका सीलिंग का हाइट दिया गया है यहाँ पे। और जो बालकनी है वो यहाँ पे 15.9x6.5 की ये बालकनी कितनी बड़ी है आप देखिए, कवर्ड बालकनी है ये, और काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ से आपको मिल रहा है। आपको पता है ये स्कीम जो है वो दायरी में है, और ये पूरा जो यहाँ का सराउंडिंग है वो पूरा नेचर से भरा हुआ है। तो जब ये बालकनी में आप बैठोगे तो काफ़ी आपको अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलेगा, काफ़ी अच्छा फील आएगा यहाँ पर। उसके अलावा जो RS रेलिंग का टॉप है वो 3.5 है यहाँ पे, जो इसको टॉप कहते हैं रेलिंग का टॉप, जो वो 3.5 का दिया गया है। तो सेफ्टी पर्पज़ इसका पूरा ख्याल किया गया है कि आपके घर में अगर बच्चे हो तो इतने हाइट पर कोई इशू आपको आएगा नहीं। जैसे फिर हम अंदर की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो किचन जो है वो 7.10x8.8 का ये किचन है,
ये किचन यहाँ पे दिया गया है, ये इन्होंने जानबूझ के इसको ऐसे शो फ्लैट बनाया ताकि आपको एक्चुअल कारपेट समझ में आए 3 BHK। उसके बाद ये ड्राई बालकनी जो 8.8 × 3.3 की ड्राई बालकनी ये साइड में। उसके बाद जब हम ये साइड में आएंगे ड्राई बालकनी से, तो यहाँ पे आते ही हमें लेफ्ट साइड में जिसको हम चिल्ड्रन बेडरूम कहते हैं वो मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसका बेडरूम का साइज 9.8 × 10x10 का है। यहाँ पे विंडो आएगा ये साइड में, और जिसको कबोर्ड एरिया या फिर वार्डरोब का एरिया कहा जाता है वो 5.5 × 2 का ये वार्डरोब छोड़ा गया है, जिसको वॉकिंग वार्डरोब भी कह सकते हैं हम, वो एरिया यहाँ पे अलग से दिया गया है। उसके अलावा अगर ये साइड में आते हैं तो जो कॉमन टॉयलेट होता है 3 BHK का वो दिया है, उसका साइज जो है 5.1 × 5.7 का ये कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पे विंडो आएगा सामने की तरफ। उसके बाद अगर हम अंदर आते हैं तो ये पैसेज जो है वो 10x8 × 2.11 का ये पैसेज है, जो बीच का जो पैसेज दिया गया। उसके बाद लेफ्ट साइड में ये आपका मास्टर बेडरूम है, पहला मास्टर बेडरूम जो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो साइज है मास्टर बेडरूम का वो 11.10 × 10.10 का ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर दो विंडो है, यहाँ पे भी एक विंडो दी गई है और ये साइड में भी एक विंडो है 5.5 का। उसके अलावा यहाँ पे आपके वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस दिया गया, तो ये अलग से देने की वजह से आपका जो बेडरूम का कारपेट है वो कम नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये कबर्ड का एरिया जो है वो 6.25 × 2 का ये अलग से दिया गया है यहाँ पे। तो ये पहला मास्टर बेडरूम है, उसको ये टॉयलेट है यहाँ पे ये साइड में जो 7.10 × 4.1 का ये आपका मास्टर का टॉयलेट है, उसको भी विंडो अलग से दी गई है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम ये साइड में आते हैं तो ये दूसरा मास्टर बेडरूम है ये साइड में 3 BHK का, जिसका साइज जो है वो 11.10 × 10.2 लगभग उसी साइज़ का ये मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है ये अलग से। यहाँ पे भी एक विंडो 5.5 का, उसके अलावा ये भी कबर्ड एरिया जो है 4.1 × 2 का ये अलग से दिया। ये सबसे अच्छी बात मुझे इस फ्लोर प्लान की लगी, इस एरिया कारपेट की लगी, कारपेट को काफ़ी अच्छी तरह से बिठाया गया है इस फ्लैट के। कबर्ड का एरिया जो है वो अलग से दिया गया है, उसकी वजह से आपका जो कारपेट है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ पर। उसके अलावा ये मास्टर का टॉयलेट है, अलग मास्टर का टॉयलेट दिया गया है जो 4.3 × 8.3 का यहाँ पे ये दूसरे मास्टर बेडरूम का टॉयलेट है। तो ऐसा ये 1032 square feet का 3 BHK का फ्लोर प्लान है पूरा, जिसका पैकेज कॉस्ट जो है वो 80 lakh में जा रहा है। तो अगर आप 3 BHK में इंटरेस्टेड हो धारी एरिया में, तो ये आपके लिए काफ़ी सही फ्लोर प्लान हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। काफ़ी बड़ा कारपेट दिया गया, कॉम्पैक्ट नहीं दिया गया, जैसे 3 BHK का। और एक ऑप्शन यहाँ पर और एक है जो हमने इसके पहले भी वीडियो में दिखाया था, आने वाले वीडियो में भी दिखाएंगे, भले प्राइस कम है लेकिन कारपेट भी कम करके उसमें प्राइसिंग में बिठाया गया है, लेकिन यहाँ पे स्पेशियस दिया गया है। तो अगर आप स्पेशियस फ्लैट चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कीजिए, और साइड विजिट का भी अगर प्लान करना है तो आप हमें बता सकते हो। और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।